हमारा यूपी अलग अलग धर्मों से जुड़े तमाम ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक स्थलों को खुद में समेटे हुए है। इसी तरह अलग अलग सांस्कृतिक उत्सवों और लोकरंजन से जुड़े त्यौहार जिन्होंने हमारे यूपी को वैश्विक पहचान दिलाई है, वो भी हमारे यूपी में अयोध्या के दीपोत्सव, आगरा के ताज महोत्सव, प्रयागराज के कुंभ और ब्रज की होली के रूप में मौजूद है। ये सब कुछ हमारे उत्तर प्रदेश को एक आकर्षक पर्यटक स्थल के रूप में सामने लाते हैं। इसी कड़ी में अब यूपी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ाते हुए कासगंज की तीर्थ नगरी सोरों शुकर क्षेत्र को भी तीर्थस्थल के रूप में घोषित कर दिया गया है। पुराणों में सोरों शुकर क्षेत्र का काफी महत्व बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये जगह भगवान विष्णु के तीसरे अवतार यानी कि भगवान वाराह की गवाह है। दरअसल एक समय में एक हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य था। ये दैत्य काफी बलवान था। हर कोई इस दैत्य से परेशान हो गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्याक्ष ने धरती तक को समुद्र में छिपा दिया था। ऐसे में इसी दैत्य के वध के लिए भगवान विष्णु ने वाराह के रूप में अपना तीसरा अवतार लिया। वाराह अवतार में भगवान विष्णु का शरीर कुछ इस तरह से था, जिसमें उनका मुख शुकर के आकार का और बाकी शरीर इंसान के रूप में था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष का वध करने के बाद अपने शरीर का परित्याग यहाँ मौजूद हर की पौड़ी में किया था। यहाँ के लोग हर की पौड़ी को लेकर के एक रोचक बात ये बताते हैं कि इसमें विसर्जित की जाने वाली अस्थियां मात्र 72 घंटे के अंदर ही पानी में घुल जाती है, और यही कारण है कि लोग दूर दूर से अपनों की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए यहाँ आते हैं, ताकि अपनों को मोक्ष दिला सके। यहाँ भगवान वाराह का मंदिर, सीता की रसोई और सूर्यकुंड जैसी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जगहें हैं जो आस्था का बड़ा केंद्र है। चारों दिशाओं में मंदिरों से घिरे यहाँ के सूर्यकुंड में एक नहर के जरिए गंगा का पानी पहुँचता है, जिसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ 300 से 400 साल पुराने मंदिर भी हैं। ऐसे में ये जगह पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिसके चलते सोरों शुकर क्षेत्र को भी तीर्थस्थल के रूप में घोषित कर दिया गया है। आइए अब आपको बताते हैं यूपी में पर्यटन और धार्मिक पर्यटन के बारे में। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, और इसी संभावना को देखते हुए यूपी में मौजूद हेरिटेज आर्क पर काफी जोर दिया गया है। अगर इस मैप के जरिए समझे तो ये है आगरा, और यहीं से होती है हेरिटेज आर्क की शुरुआत। फिर बीच में पड़ता है लखनऊ, और अंतिम में है वाराणसी। हेरिटेज आर्क में प्रदेश के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक आयामों को करीब से देखने का मौका मिलता है, और आप यूपी के एक छोर से दूसरे छोर तक फैले सुंदर और जीवन समाज से रूबरू होते हैं। हेरिटेज आर्क यात्रियों को आगरा, लखनऊ और वाराणसी क्षेत्र में और इनके चारों ओर मौजूद धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों की यात्रा कराता है। आगरा क्षेत्र में देखें तो आगरा, बरसाना, बटेश्वर, इटावा लैंड सफारी, गोकुल, नंदगांव, मथुरा और वृंदावन मौजूद हैं। लखनऊ क्षेत्र में अयोध्या, बिठूर, देवा शरीफ, दुधवा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, नैमिषारण्य और नवाबगंज पक्षी अभयारण्य इसमें शामिल है। तो वहीं वाराणसी क्षेत्र में सारनाथ, विंध्याचल, सोनभद्र, चुनार, कुशीनगर, कपिलवस्तु और श्रावस्ती जैसे स्थान शामिल है। इसके अलावा यूपी में धार्मिक पर्यटन के नजरिए से देखा जाए तो मौजूदा समय में हमारे यूपी में कई धार्मिक सर्किट हैं। इनमें ब्रज सर्किट, सूफी सर्किट, महाभारत सर्किट, रामायण सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, जैन सर्किट और बौद्ध सर्किट प्रमुख रूप से शामिल है। तो बारी है आज के सवाल की। आज के इस वीडियो में हमने जितने धार्मिक और पर्यटन स्थलों की बात की है, वहाँ आप कितनी बार गए हैं, वहाँ आपने क्या महसूस किया है, साथ ही इन सभी पर्यटन स्थलों को लेकर के आपका अगर कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपी जुड़ी और तमाम खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।